उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में रावण का मंदिर है। रावण के द्वारा स्वयं वहां पर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की आराधना होती थी। अब अगर रावण के मंदिर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की रचना देखी जाए फिर हमें पता चलता है कि ये शिवलिंग उसी तरह से है जिस तरह से शिव आगमों में बतलाया गया है। देखिए अगर इस शिवलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ये रुद्रभाग हमें दिखाई देता है, ये सिलेंडर शेप का रुद्रभाग है। इसके नीचे हमें विष्णु भाग दिखाई देता है जो अष्टकोणीय है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं अलग अलग जगह पर जितने भी प्राचीन शिवलिंग हमें प्राप्त हो रहे हैं उन सारे प्राचीन शिवलिंगों में हमें इसी प्रकार का आकार प्राप्त होता है और यही आकार शिव आगमों में बतलाया गया है कि शिवलिंग किस प्रकार से होना चाहिए। अगर परिमाण की बात की जाए तो देखिए जितना बड़ा हमें यहाँ पर रुद्रभाग नजर आ रहा है उससे करीब करीब आधे तक हमें यहाँ पर विष्णु भाग नजर आ रहा है, तो उससे भी आधा यहाँ पर ब्रह्म भाग होना चाहिए। तो अहम बात यह है कि जो हम कहते हैं कि स्वयंभू लिंग, सिद्धलिंग, ऐसे लिंग जिनकी स्थापना देवों ने की है, ऐसे लिंग जिनकी स्थापना बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने की है, उनको छोड़कर सारे शिवलिंग इसी आकार के होने चाहिए जहां पर रुद्र भाग सिलेंडर शेप का, विष्णु भाग अष्टकोणी और ब्रह्म भाग चौकोनी होना चाहिए और यही हमें हर जगह पर प्राप्त हो रहा है।